हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे दो स्टॉक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। दोस्तों, वो दो स्टॉक को छोड़ के तीसरा स्टॉक खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, वो दोनों स्टॉक को छोड़ के कोई तीसरा स्टॉक खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। और वो कौन सा स्टॉक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है। अभी जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 760 के आसपास। और दूसरा है दोस्तों SDI लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है दोस्तों, ये 500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक देख लीजिए, यही प्राइस है जो आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा लौट के। तो क्या करना है, आँख बंद करना है और ख़रीद लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। SBI लाइफ इंश्योरेंस ये आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा, बहुत ही डिस्काउंटेड। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम कहीं पे जाते हैं बिग बाज़ार में या कहीं पर भी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है 40% ऑफ़र या 40% ऑफ करके लिखा हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है, ताकि दोस्तों लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदे, क्योंकि उनको दिया जा रहा है ऑफ़र। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो ऑफ़र है? नहीं दोस्तों, वो ऑफ़र नहीं था, वो बस धोखा देने का एक प्लान था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ऑफ़र मिल रहा है, ये आपको 40% ऑफ़ मिल रहा है दोस्तों। 40% आपको मतलब यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको अच्छे से चार्ट दिखा देना चाहता हूँ, 1 ईयर का चार्ट, ठीक है। ये रहा दोस्तों स्टेट ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये गया था 1040 के आसपास, ये चला गया था, ठीक है। 1040 के आसपास जाने के बाद दोस्तों इसने 600 के लेवल को टच कर दिया, 600 के लेवल को टच कर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लो। और 600 का मतलब टच ही करने वाला था। ये जो लेवल है दोस्तों, आपको 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में गिरावट होने की वजह से। ये देखो, ये जो मैं आपको दो स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों, एक SBI लाइफ इंश्योरेंस और एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भले इनके बैंक में कोई अगर कभी नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन दोस्तों ये दो कंपनी है जो आपको बेहतरीन रिटर्न निकाल के देगा। और एक देख लीजिए, मैं आपको HDFC लाइफ के बारे में बता देता हूँ। HDFC लाइफ के बारे में तो आपको मुझसे भी अच्छा पता होगा। देख लीजिए, दोनों दोनों स्टॉक का एक ही परफॉर्मेंस है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए चूज़ करके लाया हूँ दोस्तों। वीडियो बनाना और स्टॉक को चूज़ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपको लगता है छोटा मोटा बात है, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक है। अगर हो जाएगा तो भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, ठीक है। और ये भी देखिए दोस्तों, 640 के आसपास ये टच करने वाला था, 640 के आसपास, लेकिन उसके बाद दोस्तों 600 का स्टॉक कहाँ चला गया था, 400 के रेंज में चला गया था, 400 के रेंज में। यहाँ पर भी आपको 40% डिस्काउंट मिला, मतलब कि दोस्तों दोनों स्टॉक एक ही रेंज में जा रहे हैं और एक ही वक्त के साथ जा रहे हैं। और ये जो प्राइस है उनका भी आपने देखा कि ये जो गिर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट जो है, यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट दिख रहा है। जैसे ही मार्केट में बोल रहा हूँ बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा ना, बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा ना, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा चार्ट में आपको बताने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए, 550 के आसपास गया था ये स्टॉक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 350 के पास गया था, ठीक है। 40% गिरावट हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे आया था तो 300 के लेवल से 600 मतलब पैसा डबल। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी 500 के लेवल में 1000 तोड़ देगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दो स्टॉक पर आपको देखिए दोस्तों, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी। देख, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई मैंने तो बोला था कि बहुत ज़्यादा चांस है इसका प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, अब तो डिक्रीज़ हो गया, मैं क्या करूं करके। बहुत लोग ऐसे मे बी मे नॉट भी, देखो कस्टमर को फंसाना नहीं है। अगर किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो प्रोडक्ट दिखाएगा तो बोलेगा भाई ये जो प्रोडक्ट है ना बेस्ट है, कभी ये नहीं बोलेगा मे बी मे नॉट भी, यार ये जो मैंने मोबाइल फोन खरीदा है ना, जो मैं जिस मोबाइल फ़ोन से आप देख रहे हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन अच्छा हो नहीं हो। अगर आपने जहाँ खरीदने गया है वहाँ अगर ये इंसान बोल देता है, ठीक है, दुकानदार बोल देता है कि मोबाइल जो आप खरीद रहे हो सही है या गलत है, हो सकता है सही है, तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्यों? पैसा लग रहा है ना, पैसा लग रहा है ना। और उसी तरह शेयर मार्केट में जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ, इसमें भी भाई पैसा लग नहीं, लेकिन जा तो रहा है लॉस होने के बाद। तो ये दो कंपनी है जिस पे आपको फोकस करना है, किस लिए? खरीदारी करने के लिए। आँख बंद करना और क्या करना है, खरीद लेना। क्या करना है, आँख बंद करना और क्या करना है भाई, खरीद लो। प्रॉफिट तो आप ही को होगा, हमें तो नहीं दोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, खरीदो। अभी देख लो प्राइस कितना चल रहा है, 760 के आसपास, और HDFC 500 7 रुपीज़ के आसपास, भाई ठीक है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, दम भर खरीदियो। एक एक दो स्टॉक खरीदोगे क्या प्रॉफिट मिलेगा यार, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा,
तो ये है दोस्तों निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट मैं आप लोगों के सामने लगाया, वहाँ देख लीजिए 12,500 के आसपास गया था, उसके बाद दोस्तों 8,500 के आसपास, इसमें बहुत मतलब अराउंड 26% या 30% के आसपास गिरावट हुआ है मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ HDFC लाइफ और SBI लाइफ को आपको खरीदना कैसे, अगर इस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि लोगों को थोड़ा तरीका नहीं पता रहता है, जिस वजह से उनको बहुत हेवी नुकसान हो जाता है और फिर वो बोलते हैं शेयर मार्केट गलत है, ठीक है। देखो जब भी कोई गलती होना तो दूसरों को मत बोलो कि हाँ भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ, अपने आप को देखो पहचानो मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती की, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। उसी तरह मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने आपको दो स्टॉक बोला, अभी अगर खरीदारी करना चाहते हो तो आपको 20% कैपिटल आपको डाल देना खटक से, मतलब 20% आपके अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आप डालना चाहते हो, ठीक है, 100% कैपिटल में से अभी दोनों स्टॉक में आपको 20% करके डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा भी अप डाउन, अप या डाउन मतलब ऊपर भी जाएगा तो भी नीचे भी जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है 10% 10% 10% करके खरीदना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ दोनों स्टॉक में ऐसा एक बेस प्राइस बनेगा ना आपको, जो दोबारा नहीं मिलेगा, भले ही मार्केट कल के लिए अगर आपको ज़्यादा गिरावट हो जाए तो 7,500 के आसपास भी चला, देखिए 7,000 के आसपास मार्केट गिर सकता है अगर ज़्यादा गिरा तो, ठीक है। तो ये प्राइस पर भी अगर गिरता है ना तो आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा दोस्तों, अगर 7,000 आसपास के नीचे भी गिरता है तो HDFC लाइफ और जो मैंने आपको बताया दोस्तों SBI लाइफ में आपको जो बेस प्राइस बनेगा ना बहुत अच्छा बनेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इसी मंथ के लास्ट से मार्केट आपको इम्प्रूवमेंट देना और इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देगा कि हाँ भाई आप जो है आप खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ सर्विसेज भी दी जाती है, मैंने आपको बोला जैसे ही मार्केट गिर रहा है, बहुत लोग रो रहे हैं कि भाई मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मतलब ये खुशी की बात है कि मार्केट गिर रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और मैं बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं उनका तो लाइफ ही बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में अगर वो अच्छे तरीके से पैसा लगाते हैं तो जो वो 5 साल में नहीं कमा पाते वो कम से कम 2 से 3 महीने में ही कमा लेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आइडेंटिफाई कर करके बताया गया, जैसे मैंने आपको दो HDFC और SBI बताया, आप देख लो ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, अगर गिरावट हुआ तो 10% या 15% के आसपास थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, ठीक है। ये दो स्टॉक, और अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हो, जुड़ के काम करना चाहते हो, पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे इस नंबर पर देख सकते हो, ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आप SMS कर सकते हो कि हाँ भाई आपको पेड सर्विसेज चाहिए, उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अगर कॉन्टैक्ट कर लोगों मिस कॉल मार दोगे तो भी सही है, ठीक है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो तो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। अगर एक चीज आपको बताता हूं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर कंजूसी करना है लाइक करने में तो भाई शेयर मार्केट में तो आप और भी कंजूसी करोगे।